हेलो एंड वेलकम बैक है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं मीशो रिटर्न प्रोडक्ट रिफंड फेल्ड, ठीक है, बैंक डिटेल। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आपके अगर मीशो में आप भी जो दोस्तों है जो अगर किसी भी प्रोडक्ट को मंगाते हो, ठीक है, वापस उसको रिटर्न कर लिया, ठीक है। अब रिटर्न करने के बाद क्या होता है जी दोस्तों, काफ़ी बार जो आपका रिफंड पेमेंट फेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले आपको मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो अब आप लोग इन्हें करने के एक इस तरीके से इंटरफेस शो होता है। तो फाइनली आपको जो दोस्तों है जो करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ ऐसे टिप्स करने हैं जिनकी मदद से आपका रिफंड जल्द से जल्द आपके तक पहुँच जाए, यानी कि आपके बैंक में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बैंक डिटेल को ऐड करना है, यानी कि अदर बैंक को ऐड कर लेना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले माई ऑर्डर्स के अंदर जाना है। जिस भी प्रोडक्ट का आपने यहाँ पर रिटर्न मंगाया है, ठीक है, रिटर्न किया है, उस प्रोडक्ट को यहाँ पर जो दोस्तों आपको रिटर्न किया है, तो आपको फाइनली उसकी बैंक डिटेल को ऐड करना है। यानी कि दूसरा कोई भी आप यहाँ से बैंक को जो दोस्तों बैंक एंड यूपीआई डिटेल है यहाँ पर आप ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जाकर ऐड कर लेना है, यूपीआई ऐड कर देना है। काफ़ी दोस्तों जल्द पेमेंट आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। बैंक बदल देना, बाकी दोस्तों 100% वर्किंग ट्रिक है। अगर ये आपको भी गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी नए वीडियो आए ना उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों।